सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह की 11:30 हो रहे हैं और अभी हम कर रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि है, मैं तो गाइस मोमोज भी खा रही हूँ, मोमोज और सैंडविच, और डुगू सैंडविच खा रहा है। सैंडविच खाने के बाद मुझे मोमोज उस वक्त गंदे लगे बहुत। हाँ, डुगू को अच्छे नहीं लगे गाइस। और गाइस, आज है 26 जनवरी, तो आज है रिपब्लिक डे, तो गाइस आपको भी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज गाइस सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ, और गाइस आज सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स इतने अच्छे से डेकोरेट हो रखी होगी, तो आज हमारा वहाँ जाने का भी प्रोग्राम है। और डुगू को गाइस टॉय की भी जिद कर रहा है, तो डुगू के लिए टॉय भी लेने का है हमारा आज प्लान। तो चलो गाइस, अभी हम करते हैं हमारा यमी यमी ब्रेकफास्ट और फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, अभी 2 PM हो रहे हैं दोपहर के, तो अभी हम जा रहे हैं राजा पार्क की तरफ भी जा रहे हैं और स्टैचू सर्किल की तरफ भी जा रहे हैं गाइस आज। तो चलो गाइस चलते हैं। गाइस, तो चलो गाइस अभी राजा पार्क चलते हैं। चलो चलो जी। अभी हम टॉय की शॉप पे गए थे और डुगू को वहाँ पे कोई भी टॉय पसंद नहीं आया, मतलब जो वहाँ पे टॉयस थे वो अधिकतर डुगू के पास है, इसलिए अभी डुगू ने वो तो लिए नहीं। और डुगू ने चिप्स वगैरह ले लिए, बहुत सारी चिप्स और ये केक, बहुत सारे केक और कैडबरी भी ले ली, तो इसलिए। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी हम कार से ही चल जाएँ, तो क्योंकि ज़्यादा देर नहीं बची गाइस शाम होने में, तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी हम यहीं से चल जाए, थोड़ी सी रात और होते ही लाइट्स देखने। गाइस आज 26 जनवरी है ना, इसलिए सारी जगह लाइट्स होगी और बहुत अच्छा भी लगेगा जी जी। सो गाइस, अभी हम घर आ गए और अभी ये डुगू काइट उड़ा रहा है, डुगू की वो वाली काइट है ये वाली। और बस अभी थोड़ी सी देर गाइस होता ही और अंधेरा होते ही हम आज लाइट्स देखने जाएंगे। अभी तो थोड़ा सा उजाला है, अभी 6:30 हो रहे हैं, अपन बाद में चलेंगे। गाइस, तो अभी हम रात हो चुकी है, पूरा अंधेरा हो गया और अभी हम जा रहे हैं डेकोरेशन देखने गाइस, जैसे कि आज 26 जनवरी है, तो अभी हम बाहर आए हुए हैं क्योंकि जो सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट हो रखी होगी। और आज हमने सुबह पेपर में भी देखा था, न्यूज़पेपर में। तो चलो गाइस, सबसे पहले अपन चलेंगे अल्बर्ट हॉल में। तो चलो गाइस चलते हैं। देख रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है इसको, जैसे तिरंगा होता है ना, तिरंगा उसकी तरह ही डेकोरेट कर रखा है। ऊपर सबसे ऊपर का सैफ्रॉन है, जो टॉप पे कलर होता है ना उसका, उसके नीचे है वाइट जो बीच में होता है, और फिर उसके भी सेंटर में एक ब्लू कलर का भी जो गाइस चक्र होता है ना वो तक बना रखा है, और उसके नीचे सबसे लास्ट में ग्रीन कलर। इतना अच्छा लग रहा है ना गाइस, अच्छा लग रहा है, फ्लैग ही है पूरा। तो चलो गाइस अभी अपन दूसरी बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अभी सामने स्टैचू सर्किल आया है, तो अभी मुझे यहाँ से दिख रहा है कि उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, और यहाँ पे डुगू आगे वाली सीट पे बैठा है, जैसे कि ये हमेशा ये तो आगे बैठता है आगे की तरफ। और गाइस देखो, वो दिख रहा है स्टैचू सर्किल, तो चलो वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस अभी हम स्टैचू सर्किल पर आए हुए हैं, और ये देखो इसको भी कितना अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, ये नॉर्मल दिन ही इतना अच्छा लगता है, तो आज तो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे पानी है और इसकी लाइटनिंग्स कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ पे चारों तरफ फाउंटेन्स है और एक बड़ा सा गार्डन है, और ये बीच में स्टैचू है, कितना अच्छा लग रहा है। और गाइस देखो, ये स्टैचू सर्किल के सामने बिरला ऑडिटोरियम, और ये भी बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रखा है, यहाँ पे भी फाउंटेन भी है, गार्डन भी है, और ये अंदर से तो बहुत बड़ा है, और अंदर से और भी डेकोरेशन हो रखी है।
सर्किल से तो सारी फोटोज वगैरह सब कुछ क्लिक कर लिए है, हमने यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से देख लिया है और अभी हम जा रहे हैं विधानसभा। चलो गाइस चलते हैं, यहाँ से पास ही ज्यादा धूम नहीं है। गाइस देखो ये पूरा डेकोरेशन हो रखा है यहाँ पे मेरे पीछे भी, और ये गवर्नमेंट की सेक्रेटेड बिल्डिंग है। अमर जवान ज्योति सर्किल पे आ गए हैं, जरा मेरे पीछे और यहाँ पे आज बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, बहुत अच्छी। देखो गाइस सामने कितना अच्छा दिख रहा है। अंदर भी जा सकते हैं, तो अभी हम अंदर भी जा रहे हैं और देख के आते हैं इसमें क्या क्या है। चलो गाइस कितना अच्छा डेकोरेशन कर रखा है और यहाँ पे चारों तरफ अलग अलग तरह की चीजें बता रखी है पूरे इंडिया के बारे में। हमने आधा देख ली और अभी हम आधा देख ली वहाँ पे चलते हैं। चलो चलते हैं। डेकोरेट कर रखा है देखो। गाइस तभी हमारा मन हो रहा था, तभी हम पाव भाजी खाने आए हैं यहाँ पे। चलो गाइस डुगू का मन हो रहा था, देखो डुगू कितनी जोर से उतर रहा है। तो गाइस देखो कितनी बढ़िया पाव भाजी आ गई है। डुगू तो खा लिया, डुगू मिक्स तो करो बटर, बहुत टेस्टी है। और गाइस सामने जेडे की बिल्डिंग भी दिख रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सामने इतनी अच्छी लाइटिंग और यहाँ पे बैठ के हम खा रहे हैं। सो गाइस अभी हमने पाव भाजी तो खा ली है, तो अभी डुगू जिद कर आता था, हम उसको आइसक्रीम दिला रहे हैं। गाइस देखो डुगू केला आइसक्रीम लेने गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
आ जाओ। तो गाइस हमें ना कोन लेके आ गया हूँ मैं आइसक्रीम, कोन कोन आइसक्रीम। तो और अब हम पहुँचने ही वाले हैं। तो गाइस अभी हम चारों तरफ घूम के आ गए और हमने हमारी कोन भी खोल लिए हैं। आज तो बहुत ही अच्छा लगा, हम चारों तरफ गए। गाइस जैसे आज डेकोरेशन हुई थी ना वैसे कभी भी नहीं हुई थी, दिवाली पे भी नहीं हुई थी जितनी इतनी आज हुई थी। तो चलो गाइस बस आज इसके साथ करते हैं आज का हमारा वीडियो यही एंड। अगर आपको माथो से वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल वीडियो दान को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, एंजॉय। Thank you so much for watching. Bye.